मुझे ये कवच मेरे कुलगुरु अहिर्भुतन से प्राप्त हुआ है। एक बार उन्होंने मुझे सुदर्शन संहिता का उपदेश दिया। मैंने यह विद्या अपने कुलगुरु से ही सीखी है। अब मैं सुदर्शन कवच मंत्र की साधना के लिए यज्ञ और अनुष्ठान करूंगा और यंत्र तंत्र के माध्यम से आप सबको इस कवच से सुरक्षित कर दूंगा। ये नैमिषारण्य तीर्थ भगवान सुदर्शन का चक्र तीर्थ है। सुदर्शन चक्र सूक्ष्म रूप में यहां सदैव निवास करते हैं। अद्भुत, परंतु चक्रराज सुदर्शन ने यहीं पर अपना निवास स्थान क्यों बनाया? एक बार कई ऋषियों ने मिलकर भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना की कि प्रभु, इस मृत्यु लोक में हमें कोई ऐसा स्थान बताएं जहां हम निर्विघ्न रूप से अपनी साधना संपन्न कर सके। तब भगवान श्री हरि ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ते हुए कहा कि जहां कहीं भी इसकी नेमी अर्थात धुरी जाकर पृथ्वी को स्पर्श करेगी वह स्थान चक्र तीर्थ कहलाएगा, वह सुरक्षित स्थान होगा। वहां पर कलयुग भी अपना प्रभाव नहीं छोड़ पाएगा और आप सभी सहस्रों वर्षों तक वहां निर्विघ्न रूप से अपनी साधना पूरी कर सकेंगे।